अपने सेहत की जानकारी को जानेंगे कि कुछ सेहत में सुधार हुआ है कि नहीं, लेकिन हमको वहाँ जाने के बाद मुलाकात नहीं हुई। लगातार प्रशासन के लोगों को, झारखंड प्रशासन में जो सुपरिटेंडेंट हैं या आईजी हैं, लगातार हम फ़ोन करते रहे, कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला और परमिशन नहीं दी गई कि हम उनसे मुलाकात कर सकें। बाद में जानकारी ये हुई, वहाँ के मीडिया के लोगों से जब बात हुई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो वहाँ रिम्स के हैं, जो उस प्रशासन के हैं, वो 10 दिन से गुहार लगा रहे हैं कि लालू जी का टेस्ट कराने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, सेम कैंपस में जो रिम्स का कैंपस है वहाँ ले नहीं जाने दिया जा रहा है और एक्सक्यूज़ ये दिया जा रहा है कि बल नहीं है, मतलब फोर्स नहीं है कि लालू जी को वहाँ से वहाँ ले जाए। लगभग हम लोग तो कई बार जा चुके हैं उस कैंपस में रिम्स के, लगभग 50 मीटर भी दूरी नहीं होगी और इलाज कराने से लालू जी को रोका जा रहा है, इस वजह से है ताकि उनका इलाज हो सके। ये कोर्ट का आदेश भी है और पूरी मॉनिटरिंग जो है, डॉक्टरों को हर एक चीज़ जो है देखना है, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन प्रशासन जो है अमानवीय व्यवहार करके लालू जी का इलाज तक नहीं होने दिया जा रहा है। हर सैटरडे लालू जी को 3 लोगों से मिलने की अनुमति है। आज अगर आप देखिएगा तो पाबंदी लगा दी गई है कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। मतलब बड़े से बड़ा अपराधी करने वाला भी उसको अनुमति है कि उनको परिजनों से या मुलाकातियों से मिलाया जाए। और एक सूचक केंद्रीय कारा कोटवार से जो अधीक्षक हैं द्वारा सूचित किया जाता है कि विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए आज दिनांक 20/4/2019 को सजावार बंदी श्री लालू प्रसाद यादव को मुलाकात बंद रहेगी।